हे नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेकचीप यूट्यूब चैनल यूएसबी रबर डकी। इसके ऊपर आपने मेरा वीडियो देखा भी होगा कि यूएसबी रबर डकी क्या होती है, इसका किस तरह से यूज़ लिया जा सकता है। यूएसबी रबर डकी एक हैकिंग और पेन टेस्टिंग में काम आने वाली बहुत ही यूजफुल डिवाइस है। यदि टारगेट डिवाइस फिजिकल पहुंच में है तो बिजली की तेजी के साथ टारगेट डिवाइस में कमांड दिए जा सकते हैं या कोई मेलिसियस कोड स्क्रिप्ट या पेलोड को रन कराया जा सकता है। और यदि टारगेट डिवाइस अटैकर के डायरेक्ट एक्सेस में नहीं है तो सोशल इंजीनियरिंग की मदद से यूएसबी रबर डकी को किसी कंपनी, ऑफिस या किसी टारगेट पर्सन की डिवाइस में प्लग करवाया जा सकता है, जैसे कि आपने मिस्टर रोबोट की सीरीज में इसका एग्जांपल देखा भी होगा। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको कोई एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं करता और ना ही इसको कोई फायरवॉल ब्लॉक करती है, क्योंकि यूएसबी रबर डकी एज ए HID डिवाइस की तरह एक्ट करती है। HID मतलब ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, गेम कंट्रोलर आदि। कंप्यूटर डिवाइसेस और OS को ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो ह्यूमन से इनपुट लें, उन पर ट्रस्ट करें, तभी तो हम किसी डिवाइस में कमांड दे पाते हैं, उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाते हैं। बस इसी का फायदा यूएसबी रबर डकी में उठाया जाता है। यूएसबी रबर डकी को टारगेट डिवाइस के हिसाब से पहले से ही प्रोग्राम किया जाता है। इसमें की स्ट्रोक के सेट्स और कमांड्स को सेटअप किया जाता है और इसको जब किसी डिवाइस में प्लग करते हैं तो ये कीबोर्ड की तरह एक्ट करता है, जिससे कि विक्टिम डिवाइस को लगता है कि कोई कीबोर्ड सिस्टम से कनेक्ट हुआ है और इसमें जो भी की स्ट्रोक्स और कमांड सेट किए हैं वो डिवाइस पर रन हो जाते हैं, जिससे कि उस डिवाइस को नुकसान पहुँच सकता है या उसको कंप्रोमाइज भी किया जा सकता है। और ये सभी मेजर OS या डिवाइसेस पर वर्क कर सकता है, जैसे कि स्मार्टफोन, PC, लैपटॉप, एंड्रॉयड, macOS, विंडोज या लिनक्स पर। मैं आपको इसके डेमो इस वीडियो में दिखाऊंगा ही कि ये किस तरह से वर्क करता है और इसे क्या क्या किया जा सकता है। USB रबर डकी या बैड USB, इसमें HID अटैक का यूज़ किया जाता है। USB रबर डकी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में USB ड्राइव जैसे दिखने वाली छवि ही सामने आती है, पर अभी ये कई रूप में उपलब्ध है, जैसे कि OMG केबल। ये एक चार्जिंग केबल जैसी होती है, इसको मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड डिवाइस को भी HID अटैक के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा मार्केट में बहुत ही चीप Arduino डेवलपमेंट बोर्ड भी उपलब्ध हैं, जिनका यूज़ USB रबर डकी बनाने में किया जा सकता है। जैसे कि आपने मेरा ये वीडियो देखा ही होगा, इसमें मैंने टिन सीबोर्ड का यूज़ करके USB रबर डकी बनाना बताया था। तो आज भी मेरे पास एक ऐसा ही बोर्ड है, DigiSpark H985 बोर्ड। हम इस बोर्ड का यूज़ भी USB रबर डकी बनाने में कर सकते हैं, जो कि काफ़ी परफेक्ट तरीके से वर्क करता है। ये भी काफ़ी चीप डिवाइस है, ये आपको अमेजोन पर 300 से लेकर 500 के बीच में मिल जाएगी। इसके लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। ये दोनों ही डिवाइस काफ़ी पोर्टेबल डिवाइस हैं, जहाँ टिन सी बोर्ड में माइक्रो USB मिलता है, वहीं DigiSpark डिवाइस में USB मिलेगा, जिसको आप सीधे ही अपने PC या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं या स्मार्टफोन में कन्वर्टर के द्वारा इसको यूज किया जा सकता है। इन डिवाइसेस को Arduino की मदद से प्रोग्राम किया जा सकता है और इनको HID अटैक के लिए तैयार किया जा सकता है। रेडी होने के बाद इसको एंड्रॉयड, macOS, विंडोज या LinuxOS पर रन हो रही डिवाइस पर यूज़ किया जा सकता है। पर इन बोर्ड्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, इनके अंदर बहुत ही कम मेमोरी होती है, जिसमें कुछ ज़्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता और ना ही विक्टिम के सिस्टम से कुछ कॉपी किया जा सकता है। पर इसको ऐसे प्रोग्राम किया जा सकता है कि ये फाइल्स, स्क्रिप्ट या पेलोड को सर्वर से डाउनलोड कर सके या फाइल्स को सर्वर पर अपलोड कर सके, जैसे कि मैं आपको उसके कुछ डेमो दिखाता हूँ कि ये किस तरह से वर्क कर सकता है और इससे क्या क्या किया जा सकता है। मैं आपको इसको विंडोज़, macOS और एंड्रॉयड तीनों पर यूज़ करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये विंडोज़ 10 पर कैसे वर्क करेगा। मैंने इस डिवाइस को विंडोज़ 10 के हिसाब से प्रोग्राम किया हुआ है। अभी मैं इसको अपने विंडोज़ मशीन से कनेक्ट करूंगा। मेरे सिस्टम के अंदर विंडोज़ 10 का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है, तो अभी मैं इस डिवाइस को अपने सिस्टम से कनेक्ट करता हूँ। और ये देखिए, अभी यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पावर शेल को एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन कर रहा है। उसके बाद ये पावर शेल के द्वारा मेरे सर्वर से पावर शेल के स्क्रिप्ट को डाउनलोड करेगा और इसको एग्जीक्यूट कराएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो ये तो मैंने डेमो के लिए एक फेक स्क्रिप्ट बनाई हुई है, जो कि सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, पर यहाँ पर कोई भी स्क्रिप्ट को रन कराया जा सकता है या कोई कमांड को रन कराया जा सकता है, जैसे कि कोई यूज़र क्रिएट किया जा सकता है, यूज़र का पासवर्ड चेंज किया जा सकता है, सिस्टम की सेटिंग्स चेंज की जा सकती हैं या रजिस्ट्री के अंदर कोई एडिट किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत से काम USB रबर डकी के द्वारा किए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने USB रबर डकी के द्वारा रिवर्स शेल का डेमो इस वीडियो में दिखाया हुआ है, जो कि मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो USB रबर डकी किसी भी OS पर वर्क कर सकती है, जैसे कि मैं आपको इसको macOS पर रन करा के दिखाता हूँ। यहाँ पर भी मेरे MacBook पर macOS का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है, इसको मैंने macOS के लिए प्रोग्राम कर लिया है। अभी मैं इसको अपने सिस्टम से कनेक्ट करता हूँ और ये देखिए, अभी यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर ये टर्मिनल को ओपन करेगा। टर्मिनल को ओपन करने के बाद ये GitHub से एक स्क्रिप्ट को क्लोन करेगा और वहाँ पर इसको ये रन कराएगा।
और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर इसने टर्मिनल को ओपन किया और यहाँ पर ये मेरी गिटहब रिपोजिटरी से एक स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर रहा है और ये यहाँ पर रन भी हो चुकी है। तो यहाँ पर इस तरह से कोई भी स्क्रिप्ट को डाउनलोड करके रन कराया जा सकता है या और भी चेंजेस इसकी मदद से किए जा सकते हैं। आपको इंटरनेट पर यूएसबी रबर डकी के कई सारे पेलोड मिल जाएंगे जिनका यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसको केवल पीसी या लैपटॉप पर ही यूज़ किया जा सकता है, यूएसबी रबर डकी को स्मार्टफोन पर भी रन कराया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको उसका एक डेमो दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक एंड्रॉयड डिवाइस है, गूगल पिक्सल 4a, और इसके अंदर भी एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है। यहाँ पर मैंने इस बोर्ड को इस फोन को अनलॉक करने के लिए प्रोग्राम किया हुआ है। अभी मैं इसको एक कन्वर्टर की मदद से अपने फ़ोन से कनेक्ट करूँगा। ये देखिए इसको मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अलग अलग पिन को ट्राई कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर फ़ोन अनलॉक हो चुका है। तो ये तो मैंने आपको केवल डेमो ही दिखाया था, बाकी यहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे कि कोई मेलिशियस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करवाया जा सकता है और उसके बाद फ़ोन को कम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो इस तरह के बहुत से काम इससे किए जा सकते हैं। यदि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं कि इसको कैसे सेटअप करते हैं, इसको अलग अलग डिवाइस के लिए कैसे प्रोग्राम करते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपका एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप cybertube.net को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरी काफ़ी सारी प्रैक्टिकल वीडियोज़ मिलेंगी जिसकी मदद से आप साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग को करीब से जान पाएंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा ताकि यहाँ पर मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूँगा, जल्दी ही मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के अंदर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।